हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सब्जेक्ट आपका ईसीडी प्लस एई, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और ये आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं वो सभी से हमारा उन सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें। वो सभी आपके जो फ्रेंड है जिन लोगों को दूर दराज नहीं मिल पाती है एजुकेशन, वो भी नहीं पढ़े, ठीक है, इन सभी वीडियोस को। तो अब हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। इसका फिगर देखिए आप, सेम आपका कॉमन एमिटर की तरह है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस क्या होंगे कि आपका इसको हम कलेक्टर इसमें कॉमन रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव बेस पॉजिटिव नेगेटिव एमिटर आरएल आईई आईसी वीसीसी वीडीबी आईबी, आप ये बताइए, ये आपका एमिटर है, ये आपका कलेक्टर है, और ये आपका कलेक्टर पॉइंट है, ये आपका बेस है, ठीक है भाई। फिगर ए, फिगर बी को देखिए आप। आईबी वीबीबी वीसीसी आपका आईसी कलेक्टर एमिटर आउटपुट आरएल
आई भी हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये फिगर बी। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा क्या है आपका। देखो कॉमन कॉमन एमिटर मोड में आउटपुट कलेक्टर कलेक्टर टर्मिनल से लिया जाता है। अब यही बात, अब सेकंड में देखिए, कॉमन कलेक्टर में आउटपुट टर्मिनल में आउटपुट आपका एमिटर टर्मिनल, देख रहे होंगे आप, एमिटर टर्मिनल से आउटपुट दिया जाएगा आपका एमिटर टर्मिनल से आउटपुट लिया जाएगा। देखो देखो ये क्या है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर में जो आपका आउटपुट दिया जा रहा है वो कहाँ से लिया जा रहा है, कॉमन कलेक्टर में आपका एमिटर टर्मिनल से लिया जा रहा है आपका आउटपुट। देखिए, और आपका यही आपका, जब हम एमिटर जंक्शन की एमिटर कॉमन एमिटर की बात करते हैं तो कहाँ से लिया जा रहा है आपका आउटपुट, आपका आउटपुट लिया जा रहा है एमिटर से। ठीक है भाई, इन दोनों को क्या किया गया है, थोड़ा सा ये एक ही कॉमन कलेक्टर ही है, लेकिन जो आउटपुट दिया जा रहा है वो आपका कहाँ से लिया जा रहा है, देखो ये आपका एमिटर से लिया जा रहा है, एमिटर से। ठीक है, अब देखो ये दोनों के दोनों सर्किट की क्या है, कॉमन कलेक्टर की है। ठीक है, बट यहां पर चेंज क्या किया गया है, जब इस अभी सर्किट में जब हम एसी का एनालिसिस करेंगे, जब इसमें हम एसी का एनालिसिस करेंगे, एसी एनालिसिस, तो एसी एनालिसिस करने पर होगा क्या, आपको डीसी सप्लाई शॉर्ट सर्किट कर दी जाएगी, तो डीसी सप्लाई है इसकी, उनको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, जिससे मान लेते हैं, जिससे कलेक्टर और बेस दोनों आपके जो कलेक्टर और बेस हो क्या हो जाते हैं आपके, ग्राउंडेड हो जाते हैं, ग्राउंडेड होने की वजह से हम इसके फिर कहाँ दे रहे हैं आपका आउटपुट, आपका आउटपुट दे रहे हैं एमिटर टर्मिनल पर, आपका आउटपुट कहाँ दे रहे हैं एमिटर टर्मिनल पर, और कॉमन एमिटर मोड में कहाँ देते हैं, कलेक्टर जंक्शन पर। ठीक है भाई, या कलेक्टर जंक्शन, सॉरी कलेक्टर टर्मिनल पर। ठीक है, और डिफरेंस मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, अब एमिटर फॉलोवर की तरह भी इसे यूज करते हैं, एमिटर एमिटर फॉलोवर, एमिटर फॉलोवर की तरह भी यूज करते हैं इसको, क्यों करते हैं, इसका इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड आउटपुट रेजिस्टेंस,
दो। तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपका? एमिटर फॉलोवर आपका इम्पीडेंस मैचिंग में यूज होता है। तो ये क्या करता है कि अगर आपका वीक सिग्नल है, बहुत ज्यादा वीक सिग्नल है, तो उसको क्या करेगा ये, उसको इनपुट रेजिस्टेंस इसका हाई होने की वजह से ये उस सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आउटपुट रेजिस्टेंस लो है तो ये क्या करेगा, आपको आउटपुट कि इसकी एफिशिएंसी आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है भाई। अब ये इसकी एमिटर फॉलोवर की तरह यूज करते हैं आपका, ये कौन तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है भाई। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और अच्छे से बनाइए इसको। ठीक है। बीसी बीबीसी द इनपुट वोल्टेज आएगी द इनपुट अब बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। इम्पीडेंस मैचिंग में यूज होता है आपका। ठीक है। इम्पीडेंस मैचिंग का मतलब है कि आपको किसी भी सर्किटरी से मैच करना है, जैसे सर्किटरी क्या
एम्पलीफायर के बैक टू बैक एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं, उसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर करते कहते हैं। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में आपका क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग करानी पड़ती है। अगर आप इम्पीडेंस मैचिंग नहीं कराएंगे तो आपका आउट जो सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है वो सही से एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और बीच में उसमें नॉइस का क्रिएशन हो जाएगा। तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ठीक है भाई, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं इसको। आपका बैक टू बैक जब हम ट्रांजिस्टर को सॉरी एम्पलीफायर को मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जब हम बैक टू बैक एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं, एम्पलीफायर मतलब ट्रांजिस्टर को ही कनेक्ट करेंगे या एफईडी को करेंगे, तो तब हमारा इम्पीडेंस मैचिंग की हमें जरूरत होती है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन। पैरामीटर्स देखें, कॉमन बेस कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। कॉमन टर्मिनल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कॉमन ये बात तो आपको पता चली गई होगी, कॉमन टर्मिनल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। भाई कॉमन बेस में क्या होगा, बेस। कॉमन एमिटर में कौन होगा, एमिटर। कॉमन कलेक्टर में कौन होगा, कलेक्टर। अब उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, इनपुट करंट आउटपुट करंट करंट गेन। इनपुट करंट क्या होगी यहां पर, आई ई। भाई आई बी चलेगा ना, आई ई एमिटर से आई बी, और यहां पर भी आपका आई बी ही रहेगा। आउटपुट करंट यहां पर क्या होगी, आई सी कलेक्टर की, और यहां पर क्या होगी एमिटर में, आई सी। यहां पर आई सी होगी क्योंकि कलेक्टर से लिया जाता है, और यहां पर आई ई एमिटर से लिया जाता है। बात करी थी हमने एमिटर में क्या, जो कॉमन एमिटर में क्या है, हम आउटपुट लेते हैं किससे, कलेक्टर से, और कलेक्टर में कहां से लेते हैं, एमिटर से। ठीक है, आउटपुट करंट हो गया। अब बात करते हैं करंट गेन। करंट
करंट गेन अल्फा डी सी इक्वल्स टू आई सी डिवाइडेड बाय आई बी बीटा डी सी। करंट गेन की बात कर रहे हैं, करंट गेन है बीटा डी सी आई सी अपॉन आई बी। अब यहां पर देखिए अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, आई ई डिवाइड बाय आई बी इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं वन प्लस बीटा डी सी। ठीक है भाई, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज ये सब आपको वैसे पता है, चलो फिर देते हैं इनपुट वोल्टेज इनपुट रेजिस्टेंस रेजिस्ट द करंट रेजिस्टेंस जो बड़ा है रेजिस्ट द अरे नो 20 ओम लो 1 किलो ओम एंड आई 500 किलो ओम। अब आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई वन मेगा ओम हाई 40 किलो ओम लो 50 ओम। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन, ये किसमें यूज होता है आपका एज प्री एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है भाई, अब देखो
आपका इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा है आपका इसी करंट ये ना भाई। अब इसके बाद बात करनी है, यहां से लेनी चाहिए आप। आउटपुट करंट हो गया आपका, करंट गेन हो गया आपका, इनपुट वोल्टेज हो गया आपका, आउटपुट वोल्टेज हो गया आपका, इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, और एप्लीकेशन। देखो भाई, कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के बीच हम क्या करेंगे आपका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में क्या है, कुछ देखो जो हमने लास्ट लेक्चरों में डिस्कस किया है वही कंपैरिजन में है आपका। क्या है, जैसे कॉमन टर्मिनल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के बीच कॉमन टर्मिनल क्या रहेगा आपका, बेस। कॉमन बेस में कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर में एमिटर, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर, रटना नहीं है ये सब चीजें पता है आपको। इनपुट करंट क्या है आपका, इनपुट करंट आपको पता है। कॉमन बेस में आपका एमिटर से एमिटर को इनपुट देते हैं, कॉमन एमिटर में किसको देते हैं, बेस को, कॉमन कलेक्टर में किसको देते हैं, बेस को। बेस तो रहेगा ही रहेगा ना, कलेक्टर आपका कॉमन हो जाएगा। आउटपुट करंट कैसे देते हैं, आईसी भाई, कॉमन बेस में जो होता है आपका आउटपुट करंट कहाँ मिलता है आपको, कलेक्टर करंट। और एमिटर में क्या होता है, कलेक्टर करंट, और कलेक्टर करंट, कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका, एमिटर आपका क्या आउटपुट करंट है। सब चीजें बता चुके हैं आपको। करंट गेन अल्फा डी सी इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, बीटा डी सी आपका कॉमन एमिटर में, बीटा डी सी इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, और उसके बाद कॉमन कलेक्टर में आपका अल्फा आई ई अपॉन आईबी इक्वल टू 1 प्लस बीटा डीसी, ठीक है भाई। इनपुट वोल्टेज बीईबी क्या होता है, कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर में बीबीई, एमिटर टू बेस, बेस टू एमिटर, और ये आपका बेस टू कलेक्टर। आउटपुट वोल्टेज बीसी, बी कलेक्टर टू बेस, बीसीई कलेक्टर टू एमिटर, और बीईसी एमिटर टू कलेक्टर। इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो, इनपुट रेजिस्टेंस आपका कॉमन बेस का वेरी लो, कॉमन एमिटर का लो, और कॉमन कलेक्टर का हाई। इनपुट रेजिस्टेंस आप देखिए यहाँ पर 20 ओम, 1 किलो ओम, 500 किलो ओम, 500 किलो ओम। आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई, 1 मेगा ओम, हाई 40 किलो ओम, लो 50 ओम। एप्लीकेशन एज प्री एम्पलीफायर कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर में ऑडियो एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर में इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है, इम्पीडेंस मैचिंग। तो ये सब चीजें आपको नोट डाउन कर लीजिए आप अपनी बुक में, नोटबुक में, ठीक है भाई। उसके साथ अब जो बात करेंगे वो आपका बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, कैसे आप एम्पलीफायर की तरह इसको यूज कर सकते हैं वो देखते हैं भाई।
चलो भाई एसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन बायसिंग एम्पलीफायर इस तरह से यूज करते हैं। अब देखो भाई जो आपके आगे के टॉपिक होंगे उनको क्या कहेंगे, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर मोड में, इसको देखें पहले देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे ही आपको फ्लोटिंग क्यूसेंट पॉइंट क्यू पॉइंट ये सब चीजें पता चलेंगी। Oh.